नमस्कार, मैं मीना नरवाल, चेयरपर्सन जिला परिषद सोनीपत, प्रत्याशी हलका खरखोदा बीजेपी। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि होली का त्यौहार आप बहुत ही खुशी से मनाएं और पानी को व्यर्थ ना बहाएं और केमिकल वाले रंगों से आप बचें और आप स्वस्थ रहें, यही कामना करती हूँ। आप सभी को पुनः से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले जोगा पहलवान गांव सिसाना से, खेल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से, मैं सब क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि होली के त्यौहार को कम से कम तो इसको अपने रंगों को यूज करें और दो गज की बनाए रखें और मास्क जरूर लगाएं। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं होली की, बार बार सभी क्षेत्रवासियों को। मैं कुलदीप पहलवान, चेयरमैन बिरला चिल्ड्रन अकेडमी, आपको इस वर्ष होली की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी होली बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाए। आपको, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, बिरला चिल्ड्रन अकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं धर्म प्रकाश आर्य, प्रताप सपोर्ट से कुलखर खोदा, सभी से अनुरोध करूंगा, कोरोना बीमारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें और दो गज की दूरी, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें। विद्यार्थियों की बोर्ड की परीक्षा अभी होनी है, मैं अभिभावक से और विद्यार्थियों से दोनों से अनुरोध करूंगा कि वो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में ना रहें। जिस प्रकार से प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल निरंतर गत 20 वर्षों से प्रयासरत है और 194 मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए हैं, अनेक IIT में डॉक्टर, MBBS, इंजीनियर तैयार किए हैं, लेफ्टिनेंट आदि पदों पर सिलेक्ट किए हैं, तो मैं ये चाहूँगा किसी प्रकार का परिणाम सभी जगह से हो और सभी को होली की शुभकामनाएँ। होली जैसे त्यौहार पर हम रंगों से बचें, एक दूसरे को इस प्रकार का रंग ना लगाएं जिससे उसके स्वास्थ्य को हानि हो और अपना विशेष ध्यान रखें। सभी को राम राम। मैं भारत के श्री जोगेंद्र पहलवान, दीनबंधु छोटूराम रेसलिंग एकेडमी खरखोदा का संचालक, मैं आप लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि केमिकल के रंगों का प्रयोग न करें और साफ स्वच्छ पानी से त्यौहार मनाएं और साथ के साथ सेहत का ध्यान रखें। सभी को राम राम जी। मैं जयवीर, MLA खरखोदा हरियाणा। मैं सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से होली के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये होली का त्यौहार भाईचारे के साथ और बगैर रंगों के होली मनाएं, क्योंकि रंगों में केमिकल की मात्रा होती है और इससे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए इनसे बचें रंगों से और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं ब्रिगेडियर सत्यदेव दैया, चेयरमैन गुरुकुल मटिंडो, समस्त इलाके के निवासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। होली एक बहुत महत्वपूर्ण पूरे इलाके का त्यौहार है जिसको सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। होली के टाइम काफ़ी लोग कलर का इस्तेमाल करते हैं, भिन्न भिन्न रंगों का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि रंगों का इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रंगों में काफ़ी तरह की मिलावट आ जाती है जो कि शरीर के लिए, आँखों के लिए या स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, उसका सब लोग ध्यान रखें। मैं एक और अपील आप लोगों से करना चाहूँगा इस अवसर पे, क्योंकि कोरोना का माहौल है, ये महामारी एक साल से चल रही है, पिछले कुछ समय से ये कम हुई थी परंतु पिछले एक महीने से फिर ये बढ़ रही है, तो होली खेलते वक्त जो भी कोरोना के
बता रखे हैं, मास्क लगाना या बाद में हाथ साफ करना या सोशल डिस्टेंस रखना, उन चीज़ों का जितना ध्यान रख पाओगे उतना अच्छा है। क्योंकि कोरोना अभी आप सबको मालूम है, क्योंकि हमारे जो साथ वाले प्रांत हैं उनमें भी काफ़ी ज़ोर से अभी दोबारा से फैलना शुरू हुआ है। अंत में दोबारा से मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। 4 अप्रैल को जींद में होगी किसान महापंचायत। सांसद आम आदमी पार्टी डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता। दिल्ली आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता शुक्रवार को खरखौदा के गांव सिसाना नारायण आश्रम में पहुंचे। इस दौरान सांसद आम आदमी पार्टी के मध्य हरियाणा के खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष जोगा पहलवान सिसाना से मिले। उन्होंने जोगा पहलवान को 4 अप्रैल को हरियाणा के जींद जिले के हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 9 में होने वाली किसान महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी है और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही किसानों के समर्थन में रही है। इसके चलते केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीनकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पास किए गए हैं, जिसको लेकर कई प्रदेशों के किसान पिछले कई महीनों से आंदोलनरत है, वहां लगभग 300 किसान अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार काले कानून वापस लेने की बजाय किसानों का उत्पीड़न करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि कभी अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा जाता है तो कहीं पर किसानों को जेल व लाठियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 अप्रैल को किसान महापंचायत जींद में पहुंच रहे हैं, इसलिए सभी से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जींद की किसान महापंचायत में पहुंचे। आज भारत बंद है, आश्रम में शांतिपूर्ण तरीके से परमात्मा की तरफ आशीर्वाद लिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान आंदोलन पे हैं, पूरे हरियाणा में दिल्ली के बॉर्डर के चारों तरफ लाखों किसान 4 महीने गुजर गए, 3-3 डिग्री टेम्परेचर सर्दी का रहा और अब गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर पे खुले आसमान के नीचे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। सरकार ने शुरू के दौर में तो कुछ वार्ता की, परंतु अब वो बात करनी भी बंद कर दी। प्रधानमंत्री जी कहते थे मैं एक टेलीफोन कॉल की दूरी पे हूँ, वो टेलीफोन नंबर संसद में भी हमने पूछा, बताने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा कि आप खुद कर लो, टेलीफोन करने के लिए भी तैयार नहीं। संसद में बोलते हैं कि MSP थी, है, रहेगी, परंतु कानून बनाने के लिए तैयार नहीं, लिख के देने के लिए तैयार नहीं। तीनों जब काले विधेयक और उससे पहले अध्यादेश जिस दिन जारी हुए, कोरोना पीक पे थी, पूरे देश का किसान सड़क पे आया, परंतु किसानों से बात ना करते हुए इन अध्यादेशों को विधेयक में बदला और गैर कानूनी तरीके से संसद में उसको पास किया। सांसदों की वोटिंग की डिमांड करने के बाद भी उस पर वोट नहीं की। जहाँ पे इतनी उदासीन भारत सरकार है, वहीं पे हरियाणा सरकार ने तो इसमें कमाल कर दिया। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री, कभी इनको आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी इनकी चाइना से जड़े जोड़ते हैं, कभी पाकिस्तान से जड़े जोड़ते हैं देश के अंदर ताकि, और कहते कहते नहीं, आंसू गैस के गोले छोड़वाते हैं इनके ऊपर, लाठीचार्ज करते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, सड़कों पे ऊपर भाले नुमा किले गड़वा दी, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया, जैसे दूसरे देश के लोग हमारे राजधानी पर चढ़ाई करने के लिए आए हो। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि ये शहादत नहीं है, स्वेच्छा से मर रहे हैं। BJP के सांसद जांगड़ा ने कहा कि ये फजूले और नशेड़ी व्यक्ति बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, किसानों का उपहास उड़ा रहे हैं। देश के अन्नदाता को जब दिल्ली के अंदर आ रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी ने इनका अभिनंदन किया। भाजपा की सरकार ने दिल्ली के स्टेडियम को जेल बनाने के लिए, किसानों की जेल बनाने के लिए 9 स्टेडियम मांगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं इनका स्वागत करूंगा, मैं इनकी सेवा करूंगा एक सेवादार के रूप में, परंतु इनको जेल बनाने के लिए, इनको जेल में रखने के लिए स्टेडियम नहीं दे सकता।
और इसकी गाज दो दिन पहले संसद में अरविंद केजरीवाल जी के प्रशासन पे गिरी। मोदी जी ने नाराज होके संसद में एक बिल पास कराया जिसमें दिल्ली सरकार की शक्तियां लेफ्टिनेंट गवर्नर को ट्रांसफर कर दी। इतनी क्या नफरत है बीजेपी और जेजेपी के लोगों को किसानों से कि चार महीने से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे और वो बात करने के लिए तैयार नहीं। वो इनको नशेड़ी और फजूले व्यक्ति कहते हैं, इनको आतंकवादी कहते हैं, इनको खालिस्तानी कहते हैं। इसी विषय पे आगे विचार करने के लिए 4 अप्रैल को जींद में किसान महापंचायत हो रही है। उस किसान महापंचायत में भाग लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी आ रहे हैं। रणनीति तय करेंगे किसानों का किस प्रकार से भला हो सकता है, किस प्रकार से केंद्र सरकार को झुकाया जा सकता है, किस प्रकार से और सख्ती के साथ इस आंदोलन को तेज करने की ज़रूरत है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए जींद में इसी रविवार, आने वाले रविवार को 4 अप्रैल को सुबह 11 बजे जींद में आपके चैनल के माध्यम से भी मैं हरियाणा निवासियों से निवेदन करूंगा कि सब भारी संख्या के अंदर पहुंचे। हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।